फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस देखी होंगी जो आपको बताएंगी टॉप 5 विस्कीज जो आपको पीना चाहिए, टॉप 5 विस्कीज जो कि पीने में बहुत ज्यादा स्मूथ है। लेकिन इस चैनल पे आज कुछ अलग होने जा रहा है। आज मैं आपको 5 ऐसी विस्कीज बताऊंगा जो कि वर्स्ट है पीने में। जी हाँ, बेहद बेकार टेस्ट वाली विस्कीज, और जिनको पीने के बाद मुझे एक तगड़ा हैंगओवर हुआ है। ये नहीं कि मैंने एक बार इनको ट्राई किया, मुझे लगा कि शायद मेरी विस्की खराब होगी, शायद मैंने गलत बॉटल बाय कर ली है। मैंने 2-3 बार इनको ट्राई किया, दोबारा से चेक किया, और हर बार सेम रिजल्ट बाहर आया। जी हाँ, हमेशा मुझे सुबह एक गंदा हैंगओवर, एक हेडेक मुझे मिला है, और इनका टेस्ट भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं इन विस्कीज पे, क्योंकि इनकी काफी सेल है। जी हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इन्हें पीना पसंद करते हैं, सिर्फ क्योंकि इनका प्राइस काफी ज्यादा कम है। दोस्तों, इस लिस्ट में लास्ट वाली विस्की ऐसी है जो कि मेरी तरफ से अगर कोई अवार्ड दिया जाए तो इस विस्की को मैं अवार्ड देना चाहूंगा। सबसे गंदा, सबसे तगड़ा हैंगओवर देने वाली विस्की वही है। जी हाँ, तो प्लीज वो लास्ट वाली विस्की जरूर देखना, काफी लोगों की पसंद है, काफी लोगों के दिल टूटने वाले हैं। लेकिन भाई, वो आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन मुझे वो पीने में अच्छी नहीं लगी। तो सॉरी, ये मेरी तरफ से मैं अपने थॉट्स आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपके ऊपर थोप रहा हूं कि हाँ ये बिल्कुल बेकार है, ये मेरी तरफ से मुझे अच्छी नहीं लगी। तो चलिए, ज्यादा लंबी बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की लिस्ट पे पहली जो मैं विस्की आपके साथ शेयर करूंगा, ये इंडिया में काफी ज्यादा सेल में रहती है, काफी ज्यादा लोगों को पीने में पसंद है, लेकिन भाई मुझे ये पीने में अच्छी नहीं लगी। मैं बात कर रहा हूं ऑफिसर्स चॉइस विस्की की। इसके 2 वेरियंट्स मार्केट में आते हैं, रेड एंड ब्लू। मैं बात कर रहा हूं रेड वाले वेरिएंट की। ब्लू फिर भी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन मैंने इसको रिव्यू बनाने के लिए बाय किया था, इसका रिव्यू मैंने डाला है। भाई बहुत ही तगड़ी एक ये विस्की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको पियोगे तो आपको एक तगड़ा हैंगओवर मिलने वाला है, क्योंकि मुझे भी एक तगड़ा हैंगओवर मिला था। जी हाँ, बिल्कुल सर में दर्द हो गया था इसको पीने के बाद, और मुझे लगता है कि इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। आप अपने पैसे इसके ऊपर वेस्ट मत करो। हाँ, अगर आपकी फेवरेट है तो आप पी सकते हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन भाई मुझे ये पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो लिस्ट में नंबर 2 पे मैं जो विस्की आपके साथ शेयर करूंगा, ये है 8 PM विस्की। जी हाँ, इसके भी 2 वेरिएंट्स मार्केट में आते हैं, 8 PM एंड 8 PM ब्लैक। देखो भाई, अब जो ब्लैक वाला वेरिएंट है वो तो पीने में अच्छा है, ठीक है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, मैंने उसको ट्राई भी किया है, तो उसने कोई भी मुझे हैंगओवर वगैरह नहीं दिया। लेकिन जो नॉर्मल वाली 8 PM है ना भाई, क्लासिक वेरिएंट, ये काफी ज्यादा तगड़ी है और काफी ज्यादा मोलासिस के साथ ये भरी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस प्राइस रेंज में आपको और भी विस्कीज मिल सकती हैं जो कि बेटर टेस्ट करती हैं। इसके कंपटीशन में काफ़ी विस्कीज आती हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर कहेंगे भाई आपको पैसा दिया होगा उनका नाम लेने के लिए। तो भाई आप अपनी मर्जी के हिसाब से पी सकते हो, लेकिन ये वर्थ नहीं लगी मुझे। 8 PM जो नॉर्मल वाला वेरियंट है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर पैसा स्पेंड करना एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों, तीसरी जो विस्की मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके भी काफी ज्यादा फैंस हैं इंडिया में, काफी ज्यादा लोग इसको पीना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये पीने में अच्छी नहीं लगी। एक परफ्यूम जैसा, एक मेटल जैसा टेस्ट इसको पीने में आता है। मैं बात कर रहा हूं सोलन नंबर 1 की। सोलन नंबर 1 के काफी वेरिएंट्स मार्केट में मिल जाएंगे, उसकी सिंगल मोल्ड भी आती है जो काफी बढ़िया है, लेकिन ये जो सोलन नंबर 1 नॉर्मल वाला वेरिएंट है ना, ये कुछ खास मुझे नहीं लगा। जी हाँ, पीने के बाद मुझे एक तगड़ा हैंगओवर आया। इसकी 2 बार मैंने बॉटल खरीदी, एक बार पंजाब से, एक बार हिमाचल से, और दोनों बार मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। जी हाँ, बहुत ही एक नॉर्मल सा टेस्ट है और काफ़ी ये हैंगओवर देने वाली विस्की मुझे लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे पैसा स्पेंड करना भी बिल्कुल वर्थ नहीं है। दोस्तों, 4th नंबर पे जो मैं विस्की आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये एक स्कॉच विस्की है। अब आप सोच रहे होंगे, स्कॉच भाई ये तो पीने में बहुत बढ़िया आती है, लेकिन ओल्ड स्मगलर स्कॉच विस्की, अरे भाई क्या ही विस्की बना दिया आपने। जितनी बार भी मैंने इसको ट्राई किया ना भाई, मेरे हाथ निराशा ही लगी है।
चार बार मैंने इसको खरीदा है, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से। एवरी टाइम मुझे इसमें एक स्पिरिट का, एक अल्कोहल का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इफेक्ट मिला है। हर बार इसने मेरा हेडेक, मतलब बहुत तगड़ा मुझे हैंगओवर दिया है। 3 पैक 4 पैक अगर आप इसके ले लोगे ना भाई, तो आपको नींद ऐसे आएगी जैसे आपने नींद की दवाई खा ली हो। जी हाँ, इतना तगड़ा इफेक्ट ये मेरी बॉडी पे देती है। हो सकता हो आपको ये काफ़ी बढ़िया लगती हो, लेकिन मुझे ये पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फाइनली टाइम आ गया है लास्ट विस्की को बताने का, लेकिन इसका नाम लेने से पहले मैं क्लैपिंग करना चाहूँगा, क्योंकि भाई इससे तगड़ी हैंगओवर देने वाली विस्की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं बात कर रहा हूँ एंटीक्विटी ब्लू की। अरे आपकी फेवरेट है, कई लोगों की फेवरेट होगी, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे ये पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉटल देखने में अच्छी है, बिल्कुल स्पिरिटेड टेस्ट है इसका, और जितनी बार भी मैंने इसको ट्राई किया ना, हर बार सेम एक्सपीरियंस मुझे मिला है, काफ़ी तगड़ा हैंगओवर इसने मुझे दिया है। मुझे नहीं, मैंने एक सर्वे किया था, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, और उसमें मेजॉरिटी लोगों ने इसका नाम लिया और बोला कि भाई इस विस्की को पीने के बाद सुबह उन्हें हैंगओवर मिलता है। तो मेरी तरफ से आज की लिस्ट में ये विनर है। जी हाँ, एंटीक्विटी ब्लू ये पीने में काफ़ी तगड़ा हैंगओवर देने वाली है। आपको विस्की कौन सी पीने में अच्छी नहीं लगती, आज आपको ये कमेंट करना है। जी हाँ, हर बार आप कमेंट करते हो अपनी फेवरेट, लेकिन आज इस वीडियो में आप बताओगे कि कौन सी विस्की आपको पीने में नहीं अच्छी लगती। जी हाँ, चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करिए, देखते हैं कि कौन सी विस्की आज इस पार्टिसिपेशन में विनर होती है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और चियो।